हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो होने वाला है न्यूट्रल सर्जरी ऑफ माय कैट। आज जो है मैं व्लॉग डालने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने कैट की जो न्यूट्रल सर्जरी है वो कैसे कराई है। तो यहाँ पर मैं निकल चुकी थी अराउंड 11 o'clock। डॉक्टर ने मुझे टाइम दे रखा था, बिकॉज उससे पहले भी हम विजिट के लिए हॉस्पिटल जा चुके थे, क्लिनिक पर डॉक्टर के एक्चुअली हम जा चुके थे पहले ही। तो यहाँ पर जो है एटलीस्ट एटलीस्ट हाफ एन आवर का कुछ डिस्टेंस था मेरे घर से। एंड वी हैड ऑटो, क्योंकि वो थोड़ा सा सूटेबल था। बाय स्कूटी मुझे नहीं लगता था कि मैं जा पाऊँगी, क्योंकि ऑटो से, क्योंकि हमें जब इसको वापस लाना है ना, तो ये थोड़ा सा जो होगा एनेस्थीसिया के बाद से इसकी कंडीशन ठीक नहीं हो रही है। मैं अभी बहुत वेट कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा एंशियस था कि क्या होने वाला है उसके साथ। वो फाइनली जो है हम पहुँचने ही वाले थे यहाँ पर। और मैंने ये मौसम इसलिए सेलेक्ट किया न्यूट्रल कराने का, बिकॉज फरवरी या मार्च में जब आप न्यूट्रल कराते हो अपने कैट को, तो उनका जो है रिकवरी जो होती है वो बहुत फास्ट होती है। यहाँ पर हम पहुँच गए थे और मैं वेट कर रही थी कि डॉक्टर कब इसको बुलाएँ और इसका वेट वगैरह चेक करेंगे डॉक्टर अभी। तो यहाँ पर जो है मेरा बिल्लू भी वेट कर रहा है बहुत अच्छे से बैठ करके, कि उसने जो है क्या किस लिए आया है, क्योंकि इससे पहले भी वो आ चुका है, तो उसे पता है यहाँ पर आने के बाद ना समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ तो है जो मैं यहाँ आया हूँ। तो हम लोग भी वेट कर रहे थे और यहाँ पर मेरे बिल्लू को मैं बहुत ज़्यादा मुझे ये इतना डर लग रहा। फाइनली डॉक्टर ने बोला कि हाँ इसको लेकर के आएँ, और यहाँ पर एनेस्थीसिया देने के बाद ना मेरी कैट को वॉमिट हो गई, जबकि मुझे डॉक्टर ने एक दिन पहले बता रखा था कि जो है उसको एनेस्थीसिया जब दिया जाएगा तो आपने उसको कुछ खिलाना नहीं एटलीस्ट फॉर 12 आवर्स, बट उसने पता नहीं कैसे करके कुछ खा लिया। एंड यहाँ पर जो है वो वेट करा हमने पहले इसका चेक, ही वॉज़ अराउंड 4 kgs एंड वॉमिट हो गई थी मेरे बिल्लू को, वो बहुत घबरा रहा था। एक्चुअली ये प्रोसीजर ही ऐसा है, कैट्स को वॉमिट हो ही जाती है जब उन्हें एनेस्थीसिया दिया जाता है, तभी कहते हैं कि कुछ ना खिलाएं तो बेटर है। और कितने प्यार से देखें, वो मुझसे क्लीन करवा रहा है अपने आप को, ही इज़ यूज टू, मतलब इन सब चीज़ों का ना वो बहुत ज़्यादा यूज टू है, बहुत ही ज़्यादा। और ये मैं ये डिसीजन इसलिए लिया मैंने, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि क्योंकि आई वॉन्ट टू कीप वन कैट ओनली, मेरे पास सिर्फ एक ही कैट मुझे रखने का इरादा था। दैट्स वाई मैंने सोचा कि क्यों ना न्यूट्रल मेल रखते हैं, मेल से मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा प्यार है। और मेरा ब्लू बहुत ही प्यारा है, बहुत ही शांत एकदम बैठा हुआ है, मेरी गोद में वेट कर रहा था कि कब उसको जो है, मैं भी वेट कर रही थी कि कब वो जो है उसको ऊपर एनेस्थीसिया का जो है वो असर होगा। डॉक्टर ने कहा था कि जस्ट इन 10 to 15 minutes उसको, मतलब बहुत जल्दी एनेस्थीसिया जो है वो इफ़ेक्ट कर जाएगा, और ऐसा ही हुआ। कुछ जस्ट इन 10 minutes उसको एनेस्थीसिया का जो है वो असर हो गया। और यहाँ पर देखिए आप किस तरह से जो है वो लेटा हुआ है, मुझे बहुत इस जगह पर ना आई वॉज फीलिंग वेरी नर्वस, मतलब इतना ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। और बाकी के प्रोसीजर भी वहाँ क्लिनिक पर होते हैं कि लाइक वो हेयर वगैरह रिमूव करते हैं ना, तो वो भी एनेस्थीसिया की बात करते हैं। यहाँ पर डॉक्टर जो है वो उसको अंदर ले गए थे एंड दे वर डूइंग देयर प्रोसीजर। मैं मतलब ये सब शूट तो मैंने नहीं किया है, आई वॉज देयर वॉज माई सिस्टर विद मी, क्योंकि किसी को साथ में ले जाना बेटर रहता है। जब आप अपने पैट को वापस लाओगे तो जाहिर सी बात है वो एनेस्थीसिया में होगा, और आपको उसको कैरी करना प्लस बाकी की चीज़ें देखना विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसलिए आपको जो है कोशिश करना है कि आप किसी के साथ जाओ, ऑब्वियसली बात है। और मैं ये सब कुछ नहीं कैप्चर करना चाह रही थी, बट देन आई थॉट कि वीडियो बना रही हूँ तो मैं पूरा प्रोसीजर, इसमें एटलीस्ट उनको 20 मिनट्स लगे मतलब कि पूरा प्रोसीजर करने में। और यहाँ पर एक डॉग भी था, मतलब मैं अब क्या बताऊँ, उसको देख करके ना मुझे ऐसा डर लग रहा था कि कहीं वो अटैक ना कर दे कैट्स से। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ कि कैट्स को कहीं डॉग कोई कुछ करे ना। यहाँ पर एक और कैट थी, वो भी बीमार थी एक्चुअली, उसको कोई वायरल इन्फेक्शन था, तो इन चीज़ों से भी डर लगता है एक्चुअली। आप क्लिनिक जाते हो तो कहीं आपके कैट को वो वायरल ना लग जाए, बट माई बिल्लू वॉज वैक्सीनेटेड तो इसलिए मुझे कोई डर नहीं था। बाय द वे उसका नाम रोज़ है, और मैं उसे बहुत प्यार से बिल्लू बिल्लू ही कहती रहती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको विज़िट करा रही थी ये कि जो है क्लिनिक पे क्या क्या है। क्लिनिक पे बहुत सारी चीज़ें और भी रख रखी हैं उन्होंने पैट के लिए, और यहाँ था डॉक्टर का पूरा सेटअप। यहाँ पर डॉक्टर ने अपने लिए ना जो भी बैठने उठने का था ये सब कर रखा था। एक्चुअली मुझे जो था ना इस सब को शूट इसलिए मैं कर रही थी, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू सी दैट प्रोसीजर। यहाँ जाहिर सी बात है आपका कैट अगर अंदर है तो आपको फिर जो है ये यहाँ पर एक्सरे है, शायद एक्सरे मशीन है ये। हाँ तो जो है मुझे डर लग रहा था, बस इसलिए मैंने सोचा कि मैं
देखती ना नहीं हूँ बल्कि मैं यहाँ आ जाती हूँ। तो ये प्रोसीजर जस्ट 20 मिनट्स में हो गया था और डॉक्टर ने मुझे बोला था आफ्टर केयर के लिए कि आपको उसने कैट को जंप नहीं कराना है, मेक श्योर कि वो जंप ना करें, बाकी एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। बहुत छोटा सा एक ऑपरेट होता है, इसमें स्टिचेस भी डिजॉल्विंग वाले थे जो नेचुरल डिजॉल्व हो जाएंगे, और ये आपके कैट पे की इम्यूनिटी पे भी फ़र्क पड़ता है, का भी रोल होता है इसमें कि स्टिचेस जो है उनमें इन्फेक्शन ना हो। और एक्चुअली इन्फेक्शन होता है इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो है आपकी कैट को एंटीबायोटिक दिया जाता है और फिर ये मौसम ऐसा है, तो मैंने इसलिए यही मौसम सेलेक्ट किया। यहाँ पर प्रोसीजर पूरा हो चुका था, मैं अपने साथ एक किस तरीके की बेडशीट या कुछ भी आप अपने जब भी कभी जाओ तो लेकर के ज़रूर जाना अगर आपको अपनी कैट को जो है न्यूटर कराना है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपको उसको वापस लाने के लिए कैरी आप इसमें आराम से कर लोगे, जाहिर सी बात है आप किसी भी बास्केट या किसी भी तरीके की कैट की और किसी चीज़ में आप उसको नहीं ला पाएंगे, ऐसा लेटा करके आप अपने उसको आर्म्स में लेकर के ही आना है। तो जाहिर सी बात है कि आप उसको ऐसे इस तरीके से लपेट करके लाएँ किसी कपड़े में, हमने यहाँ पर उसको वापस ला दीजिए। डॉक्टर ने बस मुझे यही बोला था कि थोड़े से यही प्रिकॉशन है जो आपको करना है कि जंप अप नहीं करने देना, 3 से 4 घंटे के बाद उसको जो है नेचुरली जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आने लगेगा, और ऐसा हुआ भी। तो यहाँ पर जो है वो बहुत आराम से मेरे पास बैठा हुआ था, ही वॉज स्लीपिंग, उसको कुछ नहीं पता था, बॉडी बिल्कुल ज़्यादा उसकी जो थी ना ऐसे लूज हो गई थी। तो हमने इसको कवर इसलिए भी किया हुआ है क्योंकि जब आप ये विंटर भी थे और फिर एनेस्थीसिया के पास जो बॉडी होती है वो एनिमल की काफ़ी ज़्यादा कूल हो जाती है, तो आपको मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से ना ढक दें। तो यहाँ मैंने उसको काफ़ी अच्छे से ढक दिया, यहाँ उसको हल्का हल्का सा जो है आइस खुली थी 6 घंटे के बाद, 4 से 6 घंटे के बाद उसकी आइस खुली और हमने समझ गए कि अब ये वापस नॉर्मल कंडीशन में आने वाला है। तो पूरा प्रोसीजर होने में बहुत ही कम टाइम लगा और बहुत जल्दी माशाल्लाह से मेरे बिल्लू की रिकवरी भी हो गई थी, लाइक उसको एक हफ्ते में सब कुछ ठीक हो गया था यहाँ। तो गाइस मेरे बिल्लू की जो रिकवरी है ना वो बहुत फास्ट हो गई थी और माशाल्लाह से एक हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो गया था। तो न्यूटर के प्रोसीजर से लेकर के आपको अगर कुछ भी पूछना है मेरे कैट के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या इस पूरे प्रोसीजर के बारे में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय।